किसान मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद, मेहनत कर जनता का भाईचारा जिंदाबाद, शिकागो के शहीद अमर रहे। हम मजदूर दिवस मना रहे हैं 1 मई, हर साल मनते हैं, लेकिन आज का जो ये हम मना रहे हैं इसका कुछ और महत्वपूर्ण मतलब होता है, क्योंकि आज हमारा देश संकट की घड़ी में है और हमारा सौरभ समाज, हमारा मजदूर भाई, 36 बिरादरी के भाई आते तो रोज हैं और आज ये मनाने के लिए हम यहां पहुंचे हैं और दिखाने के लिए पहुंचे हैं। सरकार ने साफ कहा था कि 6 साल में भाईचारे तोड़े तोड़े हैं। आज हम सरकार को ये बता दें कि हमने 4 महीने में हमारे भाईचारे जोड़े जोड़े हैं। और आपको ये बता दें साहब, जब मजदूर की आत्मा हमारे बुजुर्ग कहा करते, गरीब रो देगा और दुनिया पता खो देगा, आज हमारा गरीब रो रहे हर तरह दुनिया पता खो देगा। ये साफ कर लो मोदी सरकार, आपका टेम आ गया, ईब हमारा टेम शुरू है, आप नुकसान ना कराएं हमारे गरीब मजदूर भाई। आज हम पूरा देश गरीब मजदूर भाई है, हमारी आत्मा ना दुखाओ, हमारा खून ना बहाओ, हमारा पसीना ना बहाओ, हम बहुत तंग हैं। जब से तेरी सरकार आई है, जब से हमारी उल्टी गिनती शुरू होगी है, हमने एक दिन भी तक के टुकड़ा दिखाया है आपके घर बैठ के। आपको सोचना होगा, कहता मैं फकीर हूं, जोड़ी ठा के चला जाऊंगा, मारी तरफ से नर में डूब से जोड़ी ठा के अंत में देखना नहीं चाहते, नहीं चाहिए ना सरकार चाहिए इस किस्म की। हमें तो सरकार चाहिए जो किसान मजदूर और भूखे को रोटी दे। तने तो हमारा पेट खाली कर दिया और पेट का सवाल है और इज्जत की भी लड़ाई हम लड़ेंगे। ये सोचे मजदूर का इज्जत नहीं, यह हमारा विधायक बैठे चारों कोने में हमारे मजदूर जाते हैं, आज तक मजदूर का एक टिफिन आधा होता है, 2 रोटी एक हरी मिर्च, किसी ने देखा मजदूर का टिफिन? 2 रोटी है इसमें क्या है? जब मजदूरी नहीं मिलती उसको और घोष मेरा पिया नहीं होता और पैदल आता है रेल ले रहा, हमने देखे भाई पैदल आते मजदूर, 12 मिनट तो उसकी गोद में। इसलिए हम आपको आगाह कर रहा हूं, ये 3 काले कानून वापिस ले ले, MFC में गारंटी दे दे, और ना मैं हाथी घोड़े मांग रहे ना राज मांग रहे, और ये तो लेने लेने हैं, तेरा राज भी खोसांगे भाई, तेरा राज खोसांगे, नहीं खोसांगे। जब किसान मजदूर 1947 में 36 बिरादरी का भाईचारा इकट्ठा हुआ था, तेरी तो गुदड़ी के है, अंग्रेज बजा दिए थे, जो कहते पुआ पर को शुक्र पुआ पर को गिरी जा आगरा, तेरी गुदड़ी को नहीं भाई। और ई भी सोच ले, रही बात हमारी लोकलिटी की, भाई जो 4 महीने 5 महीने मेहनत कर रहे हैं,
हमारी महिला हो पुरुष हो उनके बारे में भिन्न भिन्न लोग कुछ कह देते हैं, उनको भी शर्म आनी चाहिए। ये खून पसीना भारी हमारी महिला और पुरुष घर बैठे बैठे कुछ लिख देते हैं, उनको टहलने की चिंता नहीं है, उनको किसान मजदूर की चिंता नहीं है, उनको सिर्फ आपस में खटास की चिंता है कि वो आदमी काम क्यों कर रहा होगा। वो भी अपना ध्यान दें, जो खटखट टोल प्लाजा बैठा है चाहे एक बहू बेटी हो हमारी वह भी शेरनी सौ वर्गी है, चाहे एक भाई हो भी शेर सौ वर्ग हमारे लिए, कोई कुछ नहीं कह सकता। जो खटखट टोल प्लाजा आएगा उसका भरपूर साथ दिया जाएगा। सरकार के लोगों दूर बैठे रहो, हम आंदोलन चला दो, सब कुछ कर दो। रजो भाई 2 लाख जीत करके विधायक बनाया, अब जब उसके दरवाजे पे गए बंदूक दिखावा रहा हमने, बंदूक दिखा के डरा है रहा हमने बनाया, को भाई सरपंच बनाए थे गांव में और उसका घर को भाई चलिया से वो बंदूक दिखाओगे बताइए दिखाओगे तो भाई बंदूक ना दिखाओ हमने डरावा ना। शाम से राजे 3 तारीख को पूरा सर्वे समाज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहाँ बहुत बड़ी पंचायत होगी, 3 तारीख को फैसला होगा दूध का पानी, दूध पानी का पानी और दूध का दूसरा नगर क्या किसान और मजदूर साथ पीढ़ी कमा के खाते हैं वहां तो ओके है। सामाजिक तत्व जो साथ पीढ़ी हम लोग कमा के खाए हैं और वो घर बंदूक देख लिया फोटो बन रहे फोटो और किसाना ने असामाजिक तत्व बोलो रहा जबान तो बोलो सरकार तो तालिया की कम से कम बोलन तो सीख लो, आदर इज्जत करना सीख लो। कोई बात नहीं धोखा गया हमारा देश है और प्रदेश है तो भाई अपनी जबान तोड़ के सीखो, नारे लगा दे भाई किसान एकता माफ जरूर करती हो। धन्यवाद, जय हिंद।